यूपी पुलिस का मुंह से गोली चलाने और ठाई ठाई की आवाज निकालने का कारनामा आप देख चुके हैं। अब यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने उससे बड़ा कारनामा कर पुलिस अधिकारियों को हैरत में डाल दिया है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ट्रेनिंग लेने और सालों इस पद पर बिताने के बाद भी महाशय को पता नहीं कि गोली कैसे चलाई जाती है। सब इंस्पेक्टर ने गोली जब डीआईजी के सामने नली में डाली तो वो भी हैरान हो गए। डीआईजी के साथ खलीलाबाद थाने पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी हंसने लगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस मामले पर योगी सरकार को घेर लिया है। सपा ने ट्वीट किया कि नली से गोली डालना तो योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर का रिकॉर्ड बनाने वाली यूपी पुलिस का एक चेहरा ऐसा भी है। दरअसल बस्ती रेंज के डीआईजी आर के भारद्वाज संत कबीर नगर के दौरे पर थे। मंगलवार को वो निरीक्षण पर खलीलाबाद थाना पहुंच गए। यहाँ उन्होंने थाने में ओम्स निरीक्षण का हाल देखा, जिसके बाद वहां तैनात सभी पुलिसकर्मियों को पिस्टल्स, राइफल्स, टियर गन समेत अन्य हथियार चलाकर दिखाने को कहा। डीआईजी ने एक सब इंस्पेक्टर को बुलाया और हथियार चलाकर दिखाने को कहा। सब इंस्पेक्टर उनके सामने राइफल में नली से गोली डालकर उसे चलाने का प्रयास करने लगा। ये देखकर डीआईजी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, साथ ही थाने पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी दंग रह गए। डीआईजी ने इसके बाद कहा कि अगर पुलिसकर्मी गोली चलाना नहीं जानते और पिस्टल तक खोल नहीं पा रहे तो जान जा सकती है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को आपात स्थिति के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कहा। संत कबीर नगर में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ने निरीक्षक के दौरान वायरल वीडियो पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि एक उप निरीक्षक राइफल में फ्रंट लोडिंग कर रहा था। ये एंटी राइट गन है जिसमें फ्रंट और बजल लोडिंग होती है। उप निरीक्षक कारतूस को पैलेट समझकर फ्रंट से लोड कर रहा था। इसको लेकर निर्देश दिया गया है कि सभी पुलिसकर्मियों को ओम्स हैंडलिंग की ट्रेनिंग दी जाए। सपा ने इस मामले पर योगी सरकार को घेर लिया है। सपा ने ट्वीट किया कि ठाई ठाई करने वाली योगी जी की पुलिस में ये क्या हो रहा है। निर्दोष नागरिकों पर लाठी डंडा गोली बरसाने वाली पुलिस की सिट्टी पिट्टी गुंडे बदमाशों के आगे गुम हो जाती है। मुंह से बस ठाई ठाई निकलता है, अब नली के रास्ते गोली डालना, ये तो योगी राज की बड़ी उपलब्धि है। संत कबीर नगर पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया गया है कि संत कबीर नगर पुलिस सोशल मीडिया न्यूज चैनलों पर आई वायरल खबर का खंडन करती है। पुलिस का कहना है कि एसआई एंटी रॉयड गन में मजल लोडिंग की प्रक्रिया बता रहे थे और उसी क्रम में एंटी रॉयड गन में मजल बंदूक की नली के मुंह से की तरफ से लोडिंग की जा रही थी। पुलिस की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें एंटी रॉयड गन का इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया है। हालांकि सवाल पुलिस की ओर से दी गई सफाई पर भी उठ रहे हैं। एक सवाल यह है कि जब बस्ती मंडल के डीआईजी आर के भारद्वाज से एसआई द्वारा बंदूक की नली में गोली डालने के मामले में सवाल पूछा गया, तब भी यह स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया था। उस समय डीआईजी ने जवाब दिया था कि जो भी खामियां मिली हैं वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल में न होने का नतीजा थी। डीआईजी ने कहा था कि जो कमी आई है उसे प्रॉपर ट्रेनिंग से पूरा करेंगे। चोट नहीं लगे।